नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद खट्टार 27 दिसंबर 2012। आज का विषय है आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है। पत्री जी कहते हैं, आध्यात्मिकता सत्य को खोजना, सत्य के साथ जीना और सत्य को सिखाना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हम ये अस्थि पिंजर नाक कान ये सब नहीं हैं। ये जानना ही सत्य को जानना है, आध्यात्मिकता को जानना है। ये सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा हम हैं और ये सत्य भी हम हैं। इस सत्य को जानने के लिए श्वास के साथ रहना है। श्वास हमारे साथ है, लेकिन हम अपने श्वास के साथ नहीं हैं। जब हम श्वास के साथ होते हैं तो श्वास हमें ध्यान में ले जाता है। श्वास की नाव में हम ध्यान की फसल को पा सकते हैं। श्वास के क्षेत्र में हम ध्यान को बोते हैं। श्वास के क्षेत्र में हम ध्यान के बीज को डालते हैं। श्वास के क्षेत्र में हम आत्मा की प्रगति करते हैं। इस शरीर के क्षेत्र में आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ये जानना ही आध्यात्मिकता है। देवम देने वाला और देही लेने वाला कौन है? क्षेत्र अलग है और क्षेत्र का पालन करने वाला अलग है। भौतिक शरीर अलग है और चेतना अलग है। हर दिन ध्यान करते रहना है। ध्यान अति आवश्यक है। आने वाले समय में हर स्कूल कॉलेज में ध्यान की क्लास होगी। आने वाले समय में हर स्कूल कॉलेज और दफ्तर के ऊपर एक पिरामिड ध्यान केंद्र बनेगा। ये नया दिव्य भव्य ध्यान युग है। पिरामिड युग है, शाकाहार युग है, अहिंसा युग है। हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। पुराना युग खत्म हो गया है। 21 दिसंबर को हमने उसे विदा कर दिया है। 22 दिसंबर से हम एक नए युग की स्थापना कर रहे हैं। नए युग के 4 दिन हो गए हैं। हम सब नवयुग के प्राणी हैं। इस स्वर्णिम युग की रूपरेखा कैसी है? इस नए युग में, इस स्वर्णिम युग में, इस भव्य युग में हर दिन एक उत्सव है। हर दिन एक नई फसल है। इस सत्य को जानने के लिए हमें अपने श्वास के साथ मिलकर रहना है। हम श्वास के साथ ही इस पुण्य आत्मशक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये एक वैकल्पिक विषय नहीं है। ये पिरामिड युग है, ये शाकाहार युग है, ये अहिंसा युग है। इस युग में प्रति क्षण प्रतिदिन एक उत्सव है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, तब हर क्षण उत्सव हो जाता है। हम यहाँ इस प्रांगण में सुबह से रात तक उत्सव मना रहे हैं। हर दिन एक उत्सव है, हर क्षण एक उत्सव है। जब हम जान जाते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, तो हर दिन एक उत्सव है। जब हम जानते नहीं कि हम आत्म पदार्थ हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आने वाले समय में धरती पर जीवन निरंतर उत्सव है। हम सब सुबह से लेकर रात तक उत्सव मनाएंगे। इस जगह इस प्रांगण में जैसे हजारों लोग हैं, आने वाले 10 सालों में पूरी धरती ऐसी ही हो जाएगी। पूरा संसार ध्यान संगीत और नृत्य से उत्सव मनाएगा। ध्यान करते नाचते गाते स्वादिष्ट खाना खाते हर दिन एक उत्सव होगा। ये नवयुग का उत्सव है। हम सब उत्सव मनाने के लिए पैदा हुए हैं। रोने के लिए नहीं, दुखी होते हुए
दूसरों को दुख देने के लिए नहीं आए हैं। हम खुशी से रहते हुए दूसरों को खुशी देने के लिए पैदा हुए हैं। PSSM में वैराग्य नहीं, भोग है। वह भोग है, ध्यान ही भोग है, ज्ञान ही वह भोग है, सत्य ही देवता है। आध्यात्मिकता सत्य की आराधना है, सत्य का प्रचार, सत्य का प्रवचन, यही आध्यात्मिकता है। सत्य क्या है? हम सब भगवान हैं, हम आत्मा हैं, मृत्यु कहीं पर भी नहीं है। शरीर की मृत्यु है पर आत्मा की मृत्यु नहीं है। शरीर बचपन, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा भूलोक छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ भुवरलोक में जाती है। भुवरलोक में सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण शरीर से कारण लोक में जाती है। कारण लोक से जनालोक, महालोक, तपोलोक और फिर सत्यलोक में जाती है। ये आत्मा की अनंत यात्रा है। सूक्ष्म लोक में भोग के साथ जीना, कारण लोक में ज्ञान के साथ जीना और महाकारण लोक में त्रिलोक संचारी होना ही आत्मा की यात्रा है। मरने के बाद हम केवल भौतिक शरीर को ही छोड़ते हैं। जिस प्रकार हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के वस्त्र हैं। आत्मा इन तीन शरीरों के साथ रहती है, इसलिए आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। ये तीन शरीर तीन परतों की तरह हैं। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सुंदर है। इस त्रिपुर सुंदरी के लिए भूमंडल एक पाठशाला है। खुद को जानने के लिए और परिपक्व होने के लिए आत्मा बार बार धरती पर जन्म लेती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ने न्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम शरीर के कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा के लिए मृत्यु तो है ही नहीं, फिर हम मृत्यु को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं? हम अपने अज्ञान और मूर्खता के कारण रोते हैं। हम सदा सदा के लिए हैं। आत्मा से सब सृष्टि होती है। हम अनंत चेतना हैं। प्रकृति पुरुष से आई है और फिर प्रकृति पुरुष में विलीन होती है, एक से दो हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ता है वही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। जो आध्यात्मिक शास्त्र को नहीं पढ़ता उसे आध्यात्मिक विज्ञान नहीं मिलता। सभी पिरामिड मास्टर आध्यात्मिक शास्त्र के विद्यार्थी और प्रोफेसर हैं, आध्यात्मिक शास्त्र के शिक्षक हैं। रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, अन्य सभी शास्त्र की तरह आध्यात्मिक शास्त्र भी अद्भुत शास्त्र है। अनंत आध्यात्मिक शास्त्र वेता हैं रिचर्ड बाक, ओशो, स्वामी रामा, परमहंस योगानंद, सिल्विया ब्राउन। हमें सबसे सीखना है। आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़े बिना आध्यात्मिक विज्ञान समझ नहीं आता। यदि हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो आध्यात्मिक विज्ञान समझ नहीं आएगा। भूमंडल में अनगिनत आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। हमें सबसे सीखना है। प्रतिदिन एक घंटा ध्यान, एक घंटा सज्जन सांगत्य, दूसरों के अनुभव सुने और एक घंटा स्वाध्याय करें। 24 घंटे में से 3 घंटे ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करें। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, कुछ समय बाद बैटरी कम हो जाती है फिर उसे चार्ज करते हैं, उसी तरह ध्यान, स्वाध्याय
और सज्जन सांगत्य से हमें खुद को भी चार्ज करना है। प्रतिदिन स्वयं को 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे स्वयं को चार्ज किया तो 21 घंटे काम कर सकते हैं। आनंद में उत्साह से शक्तिवान जीवन जी सकते हैं। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से स्वयं को ऊर्जावान रखें। इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, आत्म चेतना हैं हम। हम स्वयं को शरीर समझकर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। इस धरती पर अनुभव लेने के लिए आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा देने वाली है और शरीर लेने वाला है। और जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, तब हम अपने आत्म शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और तब हम अपनी आत्मा से वो ज्ञान और ऊर्जा ले सकते हैं जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, हमने ग्रंथों में सुना है, मंदिर गुरुद्वारे में सब जगह सुना है कि आत्मा अमर है, लेकिन क्या हमने इसे अनुभव किया है? हम सभी जानते हैं आत्मा अमर है, लेकिन जब भी कोई अपना जाता है तो हमसे सहन नहीं होता। उस समय हमें याद नहीं आता कि आत्मा अमर है। आत्मा ने तो वस्त्र बदले हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को ना जाना है, ना पहचाना है, ना स्वयं की आत्मा को जाना है, ना दूसरे को आत्मा के स्तर पर देखा है। हम शरीर से ही जुड़े रह गए और इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं है, और वो शरीर अब हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम रो रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान की समझ बूझ ना होने के कारण जो आत्मा शरीर छोड़कर उच्च लोकों में गई है, हम उसके रास्ते में भी रुकावट डाल देते हैं। हम उसे अपने मोह के कारण वापस धरती पर खींचते रहते हैं। इसलिए पत्री जी ने कहा कि हमें सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों के दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करना है, पुस्तकों के माध्यम से उसे पढ़ना है, तभी हमारा अज्ञान दूर होगा। जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, रस्सी सांप नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा और हमने उसे सांप समझ लिया, और जैसे ही प्रकाश हो जाता है हमें खुद पर हंसी आती है कि हम रस्सी से डर रहे थे। इसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान उदय होता है, आत्मा के ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, तो हम ये जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। हर तरफ आत्मा ही आत्मा है, आत्मा का पसारा है। हर आत्मा अपने जीवन में अनुभव लेकर आगे बढ़ने आई है। हम सब कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। हमें लगता है जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हमें कष्ट पहुंचा रहा है, वो कैसे हमें सहयोग कर रहा है? लेकिन जब हम आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जब हम आत्मा की योजना के बारे में जानेंगे, जब हम इन सब पुस्तकों का अध्ययन करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह आत्मा धरती पर आने से पहले योजना बनाती है, माता पिता का चुनाव करती है, सगे संबंधियों का चुनाव करती है, क्या क्या उसे सीखना है, कैसी परिस्थितियां उसे वो सीखने के लिए चाहिए, हर चीज़ का चुनाव करके आत्मा स्वयं धरती पर आती है। लेकिन जैसे जन्म लेते हैं, हम जीवन जीना शुरू करते हैं, हमारी उन यादों पर, उन योजनाओं पर पर्दा पड़ जाता है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता, और हम यहाँ धरती पर आकर रोते हैं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, ये व्यक्ति मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन वास्तव में दोस्तों, हमने ही आपस में अनुबंध किया है, उच्च लोगों से हम अनुबंध करके आए हैं कि तुम मेरे सामने आना और तुम मुझे मजबूर करना कि मैं अपने सबक सीख सकूँ, और वही जो हमें यहाँ पर लगता है हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, जिनको हम दोष देते हैं, उच्च लोकों में वो हमारे परम मित्र होते हैं। अगर वो हमारे रास्ते में ऐसी रुकावटें ना खड़ी करें तो हम सत्य के मार्ग पर खोज नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। हम अपने घर परिवार से, अपनी समस्याओं से, परेशानियों से दुखी होकर सत्य की खोज करते हैं, और वो व्यक्ति
वो आत्माएं हमारी मदद करती हैं। और जब हम धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते चलते इस ज्ञान को हासिल करते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को पा लेते हैं, तब हमें वास्तव में उनसे प्रेम होता है। तब हम उन्हें भी आत्मा के स्तर पर देख सकते हैं कि हाँ, इस आत्मा ने इस यात्रा में मेरी कितनी मदद की है। तो इसलिए मृत्यु तो है ही नहीं। हमें लगता है वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन वो इतना ही समय हमारे साथ हमारे सबक सीखने के लिए सहयोग देने आया था। एक संत हुए हैं, मुस्लिम फकीर, बहुत साधना करते थे, अल्लाह से बहुत प्रेम करते थे, हर समय उसकी बंदगी में मस्त रहते थे। बहुत समय बाद उनके घर में पुत्र हुआ। बहुत आनंदित हुए, हर समय अपने पुत्र के साथ खेलते थे, आनंद लेते थे, उसके साथ के साथ उस पुत्र के साथ पल पल का आनंद लेते थे। कुछ समय वो पुत्र उनके साथ रहा और फिर उस पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सोचने लगी कि ये अपने पुत्र से इतना प्यार करते थे, ये पुत्र के बिना कैसे जीवित रहेंगे, शायद इनका मानसिक संतुलन खो जाएगा। लेकिन जब उसने देखा तो वो जैसे पहले खुश रहते थे वैसे ही खुश रह रहे थे। तो पत्नी को बहुत हैरानी हुई, आप ऐसा कैसे खुश रह सकते हो, मैंने देखा है आपको, आपका अपने पुत्र से इतना मोह था, इतना प्यार था, अब वो पुत्र छोड़कर चला गया है, अब आप इतना खुश कैसे रह सकते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद आप अंदर से टूट जाओगे। लेकिन उन्होंने हंसकर कहा कि मैं पुत्र से नहीं, पुत्र के आने से पहले भी मैं खुश था, पुत्र के आने के बाद भी मैं खुश हूं, और पुत्र के जाने के बाद भी मैं खुश हूं, मैं वही हूं, मैं हर परिस्थिति में खुश हूं। उसने पुत्र दिया, उसने वापिस ले लिया, मैं खुश हूं। जितना समय उसने मुझे खेलने के लिए, उसके साथ इस जीवन का आनंद लेने के लिए दिया, उतना समय मैं खुश हूं। अब उसने वापिस ले लिया, अब भी मैं खुश हूं, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं आई है, मेरा कुछ गया नहीं है, उसने दिया उसने ले लिया, क्योंकि आत्मा सदा सदा के लिए है। और ऐसी स्थिति, ऐसी आत्मज्ञान की स्थिति हम तभी पा सकते हैं जब हम निरंतर ध्यान करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है कि अचानक हमें ज्ञान हो जाएगा और सब कुछ हमारे सामने साफ हो जाएगा। हर दिन निरंतर अभ्यास, जैसे हम शरीर की मांसपेशियों को उभारने के लिए हर दिन अभ्यास करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को शांत करने के लिए, हमें अपनी आत्मा को ऊर्जावान करने के लिए, सुख में जीवन जीने के लिए, आनंद में जीवन जीने के लिए हर दिन अभ्यास करना है। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण में रखना है और अपनी ऊर्जा को किस तरह हमें दिशा निर्देश देना है, हमें हर समय इस बात का अभ्यास करना है। और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जब बार बार रस्सी एक ही जगह पर घूमती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। और प्रतिदिन अभ्यास करने से हम भी उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। हर दिन, हर आत्मा के लिए, हर व्यक्ति के लिए अभ्यास, ध्यान अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करने से मन शांत होता है, बुद्धि विकसित होती है, आत्मा ऊर्जावान होती है। आत्मा से हमें ज्ञान और प्रकाश मिलता है, हमारी अंतःप्रज्ञा जागृत होती है, हमें अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और यही तो चाहिए, क्योंकि जैसे जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, उसी तरह हमें अपने अंदर से उन परिस्थितियों के अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और सज्जन सांगत्य जो है, उसका तो ध्यान और स्वाध्याय से भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जिस तरह सूर्यमुखी का फूल होता है, वो सूर्य से ऊर्जा लेता है, प्रकाश लेता है, जिधर जिधर सूर्य घूमता है वो फूल उधर ही घूमता है। लेकिन जब बादल होते हैं, जब सूर्य नहीं होता, तब वो किससे ऊर्जा लेता है? तो प्रकृति हमें कितना सुंदर संदेश देती है, तब वो सूर्यमुखी के फूल एक दूसरे की ओर मुंह कर लेते हैं और एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं।
सज्जन सांगत्य का यही महत्व है। जब हम ध्यान नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे, अपनी परिस्थितियों में उलझ गए हैं, तो सज्जन सांगत्य हमें उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते रहें, स्वयं को ऊर्जावान रखें, अपने शरीर को, आत्मा को, मन को हमेशा चार्ज करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।